एवरीवन, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो 12th और 10th का 2023 का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो बच्चे 9th से 10th में और जो बच्चे 11th से 12th में गए होंगे उन लोग को थोड़ी बहुत टेंशन हो रही होगी। हाँ, कोई हो हमको भी प्रिपरेशन करवाए, तो अब मैं प्रिपरेशन करवाऊँगी आप लोगों की। तो सबसे पहले जो साइंस वाले बच्चे हैं उन लोग को मैं प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सामान्य भूमि। तो कोई भी चीज़ हो पढ़ने के लिए सबसे पहले सिलेबस की ज़रूरत होती है। तो हमें पहले ये पता करना है कि हमें क्या पढ़ना है। पिछली बार 30% ऑफ था, जैसे कोरोना चल रहा है तब से 30% ऑफ ही चल रहा है, लेकिन इस बार आप सबको पढ़ाई करनी होगी और जल्दी एग्ज़ाम ही देना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हिंदी से। तो हिंदी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र का स्वरूप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार पेपर में आता है, हर बार पूछा जाता है। आप देख सकते हो कहीं का भी पेपर उठा के कोई ना कोई पैराग्राफ पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले आप लेसन को पढ़ो, दो बार पढ़ो कम से कम। तो अगर आप स्टोरी जानोगे तो उसी के हिसाब से आपका जो जो बाकी संदर्भ वगैरह व्याख्या वगैरह करनी होगी आप कर सकोगे। तो सबसे पहले जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको उसमें अलंकार वगैरह सब पहचानने को दिया जाता है। तो पहले पढ़ाई करने का करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं।